दोस्तों गुरु शौर सबको प्रणाम, मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों एक बार माता पार्वती बोली महादेव के जी प्रभु चलिए ना सृष्टि लोक हम जाएंगे, बहुत सारी गुरु बहन क्या कर रही है बैठकर हमें देखना है। तो महादेव बोले कि ठीक है पार्वती चलो हम आपको लेके जाएंगे। तो गए तो माता पार्वती देखी कि सबका पाँव में अलता लगा हुआ है पेड़ंगा। तो माता पार्वती सबको बोली कि मेरे के भी पाँव में आप अलता लगा दीजिए ना। तो सब ने सब बहुत गरीबी, बहुत ही गरीबी, मतलब कुछ दुनिया में ऐसा नहीं, तो चार चार आना के लिए, दो दो रुपया के लिए सब वहाँ पे तड़पते थे। तो माता पार्वती सबको बोली कि मेरा पाँव में अलता पहना दो, हम तुम्हें दो रुपया देंगे। तो सब दौड़ के आई, पूरा गांव का लोग, मैं लगा दूँगी। सब आए तो माता पार्वती को पाँव में लगा दी अलता। माता पार्वती अलता पहन ली। और देखिए दोस्तों कलकत्ता में जो है सो अलता का बहुत ही महत्व दिया गया है। माता आपका अगर काली घाट जाए, अगर आप दक्षिणेश्वर काली जाए, तो हम कुछ ले न ले पर वहाँ का अलता और सिंदूर, तो सिंदूर हम लोग जो मांग में लगाते हैं। अलता क्या होता है, जो हम लोग पाँव में हील जो है हमारे उसको इस तरह से हम लोग लगाते हैं, वो अलता होता है। तो यहाँ पर गुरु बहन लोग जो है सो बेंगोली गुरु बहन जो है सो बृहस्पतिवार को जरूर से जरूर लगाती है। और ऐसा मानना है उन लोगों का कि प्रत्येक बृहस्पतिवार लगाने से सुहाग जो है सो लंबा होता है उनका, तो लोग लगाती हैं और हम लोग भी लगाते हैं। जब कोई पूजा व्रत करते हैं तो हम लोग भी लगाते हैं। तो उसी दिन से जो माता पार्वती ने लगाई थी पाँव में सृष्टि में आ करके, तो उसी दिन से इस चीज़ का है कि हर सुहागन जो अपना पाँव रंगती है और व्रत करने उपास करने के समय में तो परमानेंट ही नहीं, तो हर बृहस्पतिवार को पाँव रंगना चाहिए। तो सभी ने बोला कि हम रंगेंगे, क्योंकि सबको अभाव है, पैसा नहीं है, गरीबी है बहुत। तो सब बोल रही है कि मैं रंग दूंगी। तो पार्वती ने रंगाई, जिनको भी जो देना था माता पार्वती ने दी, और दे करके जो है माता पार्वती संसार से चली गई। एक साल बाद जब माता पार्वती सृष्टि लोक में आई तो सबको बोल रही है कि हमको पाँव रंग दो, हम आपको 10 रुपया देंगे। तो कोई भी उनका बात को नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, क्योंकि माता पार्वती ने जो गरीबी देखी, जो दुनिया में कष्ट देखा, तो माता ने महादेव से कहा कि महादेव देखिए कितने लोग कष्ट में खा नहीं पा रहे हैं इन्हें। तो महादेव की कृपा हुई, महादेव ने सब पे दया करी, इसके कारण जो पूरा दुनिया में सब मतलब सुखमय हुए, गुरु का नाम भज करके, गुरु का गुणगान करके सब सुखमय दुनिया में हो गए। तो माता पार्वती जब दूसरी बार आई तो उनको कोई नहीं पूछ रहे हैं, माता पार्वती सबको बोल रही है कि हम आपको 10 रुपया देंगे 20 रुपया देंगे, हमारा पाँव रंग दीजिए, पर कोई नहीं जो है उनका पाँव रंग दे रही है। तो माता पार्वती बोली महादेव से कि देखिए प्रभु जब हम अगले साल आए थे तो सब दौड़ कर आई कि मैं रंग दूंगी, मेरे को दीजिए। जब ये दुनिया में सही बात है दोस्तों, अगर भगवान ही हाँ, हम भगवान को सेवा करते हैं। देखिए कोई लोग अगर दुखी है ना तो शिव को गुरु बनाती है, तो बहुत गुरु के प्रति उनका चाव रहता है, बहुत गुरु को भाव देती है, बहुत प्रेम देती है, गुरु चर्चा में जाएगी, गुरु का चर्चा करेगी, गुरु बहन मिलेगी उसे प्रणाम करेगी। और जब उनको मिल जाता है ना जो चीज़ का चाहत रहता है, फिर कोई गुरु बहन को नहीं पहचानती। आप राह में चलिएगा तो ऐसा लगेगा कि आपको जानती ही नहीं है, ऐसा मैं गुरु बहन देखी हूँ, और मतलब देखी क्या, मैं रोज ही देखती हूँ, मैं रोज ही गुजरती हूँ तो इसी तरह का ही देखती हूँ। तो ऐसा ही सृष्टि है जैसा भगवान ने बनाया है लोगों को, जैसा भगवान के साथ उन्होंने किया है उसी तरह हम लोग तो इंसान हैं, हमारे साथ भी इसी तरह से करते हैं। तो जो हमें देता है हम उन्हें को भूल जाते हैं, ये बात तो एकदम पक्का है। देखिए भगवान जब हमें देता है तो हम भगवान को ही भूल जाते हैं। माता पार्वती ने आई महादेव से प्रार्थना करी, महादेव ने उन्हें दिया, तो भगवान जब वही माता जी फिर आई तो फिर उनको सब भूल गई हैं कि इन्हीं के माध्यम से आज हमें इतना मिला है, उन्हीं को भूल गई। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो हम लोगों का किए का ही हम लोग को मिल रहा है, पर हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम लोग जैसा सृष्टि को दे रहे हैं, हम जैसा संसार में कर रहे हैं, वही चीज़ हमें आपसे आपस मिल रहा है, ये हमें समझना चाहिए। तो बहुत लोग नहीं समझते हैं, तो बहुत लोगों का इफेक्ट के कारण हमें भी, मान के चलिए आज हम अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों के इसका कारण हमें भी वो चीज़ भोगना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, हमें जो देता है उनका हमेशा जो है गुणगान करना चाहिए और उनके शरण में रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ मेरी बातें आप लोगों को अच्छा लगी होगी, अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमें
जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैं गुरु शव फिर से आप लोगों को तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा दोस्तों, कोटि कोटि प्रणाम।